लंबे अंतराल के बाद पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साहु जेल से बाहर आए। जैसे ही वो जेल से बाहर आए, हजारों के संख्या में बड़का गांव केरेडाड़ी और पतरातू से उनके समर्थक होटवार जेल पहुंचे थे और पूरे बाजे गाजे के साथ, ढोल ताशे के साथ, बम पटाखे के साथ उनका स्वागत किया गया, उनको रिसीव किया गया और अंततः अभी उनको हजारीबाग स्थित उनके आवास पर लाया गया है। वो यहाँ पर आए हैं, कई पत्रकारों को उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दिया था। हत्या, मर्डर, बलात्कार जैसा कोई भी संगीन अपराध हमने नहीं किया। हम लोगों के प्रति उनके हक अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन करते रहे और आंदोलन करते रहेंगे। और अभी हम केवल बड़का गांव का आंदोलन करते थे, बड़का गांव के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। अब हमारा दायरा बढ़ेगा। बड़का गांव के प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारी बेटी अंबा प्रसाद मुस्तैद है और अब हम पूरे झारखंड के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाएंगे। उन्हीं से जानते हैं क्या कहा है उन्होंने और क्या प्रतिक्रियाएं दी है उन्होंने प्रेस को। जो लड़ाई हमने लड़ी उसका निश्चित रूप से असर उसका बड़का गांव के लोगों को मिला है, पूरे राज्य को मिला है। और अंबा प्रसाद का विधायक बनना ये भी एक शुभ संकेत है, चूंकि इसके द्वारा भी 5 लाख का रेट मुआवजा बढ़ा। और कभी कभी जो है सत्य पर असत्य हावी हो जाता है, जिसके चलते न्याय से हम जैसे लोग हो जाते हैं। और जो चीज के चलते हम जेल गए और जिस तरह षड्यंत्र करके जेल में रखा गया, निश्चित रूप से वो इतिहास है। और हम, हमारे बच्चे लोग और हमारे समाज और हमारे परिवार और हमारा आम जनता ये स्पष्ट जानती है कि हम निर्दोष हैं। और कोई हम चोरी, डकैती, हत्या, मर्डर, बलात्कार, संगीन अपराध, एनआईए, सीबीआई, ईडी में केस में नहीं गए थे, धरना और आंदोलन के केस में गए थे, जो एकदम सरासर प्लांटेड था। और निश्चित रूप से न्याय की जीत होगी और न्याय हमको बहुत सा मामला में न्याय हमको मिला है और अंतोगत्वा न्याय हमको जरूर मिलेगा, ये उम्मीद है। और हमारा सारा प्रक्रिया 50 केस लादा गया, लेकिन अब 2-4 केस बचा हुआ है, 2-4 केस में भी हमको न्याय मिलेगा। और जल, जंगल, जमीन का मेरा लड़ाई निश्चित रूप से जारी रहेगा और बड़का गांव के लोगों को और पूरे झारखंड के लोगों को जब तक हम न्याय नहीं दिला पाएंगे, मेरा मनोबल कोई डाउन नहीं हुआ है, जेल जाने से मेरा मनोबल कोई कमजोर नहीं हुआ है। और हम निश्चित रूप से दुगनी ताकत के साथ हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारी बेटी है जिस तरह संभाली, हमको भी ताज्जुब होता है और इस पर गर्व होता है कि आज 2-2 बजे रात जब भी इन लोगों को हम जेल से अगर बात करते थे फोन के माध्यम, चाहे जैसे भी किसी तरह का कांटेक्ट करते थे इन लोगों को, तो इन लोग 2 बजे रात तक सड़कें में रहता था। 2 बजे रात को कभी फोन करते हैं कि कहाँ तुम लोग, बोलेगा कहाँ पर। हमेशा जनता सेवा में 24 घंटा, मेरा पूरा परिवार बिखर गया, लेकिन फिर भी इन लोग संभाले रहा बड़का गांव को और प्रतिनिधित्व देते रहा। और पूरा भाई बहन दोनों मिल करके, मेरा बेटा भी इसका पूरा साथ दिया, मेरी पत्नी आज जेल में है, वो भी एक उदाहरण है कि आज वो भी एक ओम शांति ज्वाइन किया और वो जो है सो किसी का एक घर में एक लोटा पानी भी नहीं पीती है, आज वो जेल में है। तो ये जनता जान रही है कि जोगिंदर साहब पूरे परिवार बिखरा है तो पब्लिक के लिए बिखरा है। कोई हम अगर यही दलाली करते और कॉरपोरेट लूट में शामिल रहते तो आज ये स्थिति नहीं रहता, हम जेल में। किस बात का